नमस्कार, मैं तनुश्री झा आप सभी का मेरे चैनल टीजे वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ठंडा मीठा तरबूज तो सभी को अच्छा लगता है। गर्मियों में यह हमारे शरीर की गर्मी दूर करता है, थकावट मिटाता है और शरीर को तरोताज़ा कर देता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट से तरबूज अच्छी तरीके से चुनकर लाते हैं, लेकिन घर आकर जब हम उसे काटते हैं तो लाल नहीं निकलता और मीठा भी नहीं होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनको आप तरबूज खरीदते हुए यूज़ करेंगे तो आपका तरबूज हमेशा पका हुआ निकलेगा और बिल्कुल ही मीठा और रसदार निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर दें। सबसे पहली टिप ये है, तरबूज खरीदते हुए पहले आपको चेक करना है कि वो किस रंग का है। पका हुआ तरबूज गाढ़े रंग का और देखने में ज़्यादा चमकदार नहीं होता है, जबकि कच्चे तरबूज की सतह चमकदार होती है और रंग हल्का होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वाटरमेलन खरीदने जा रहे हैं तो जो कम चमकदार वाला और गाढ़े रंग का होगा उसी तरबूज को सेलेक्ट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा पका और रसीलेदार वह तरबूज होगा। लाल पका तरबूज खरीदने की दूसरी टिप है वजन। आप तरबूज को उठा के देखिए, एक लाल पका हुआ तरबूज अपने आकार से भारी होना चाहिए। एक साइज के दो तरबूज लीजिए, जो भारी होगा उसे ही लीजिए, वो सबसे बढ़िया होगा और बिल्कुल ही लाल पका हुआ होगा। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो है तरबूज पर पीला निशान। तरबूज पर एक भाग होता है जहाँ हल्का पीला रंग होता है, ये वो जगह होता है जहाँ तरबूज बढ़ता है और ज़मीन के कांटेक्ट में आता है, इसे फील्ड ऑफ स्पॉट भी कहा जाता है। तो पीला रंग जितना गाढ़ा है उतना अच्छा और तरबूज पका है। अगर आप सफ़ेद या हल्का रंग लेते हैं तो वो तरबूज जल्दी ही ज़मीन से निकाल लिया गया होगा, तो वह अच्छे से पका नहीं होगा और बिल्कुल ही कच्चा होगा। तो ऐसे तरबूज ना लें जिसमें वाइट कलर का स्पॉट दिखे, और ऐसे तरबूज लें जिसमें आपको पीले कलर का स्पॉट दिखे। चौथा टिप आपके लिए ये है कि आप कई बार देखे होंगे कि लोग तरबूज खरीदते वक्त उसको थपथपा के देखते हैं। ये एक टेक्निक है जिसे आप भी आसानी से सीख सकते हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तरबूज को उंगलियों के जोड़ों से हल्के से खटखटा के आवाज़ सुने। एक बढ़िया लाल और पका तरबूज कच्चे तरबूज की तुलना में तेज आवाज़ पैदा करता है। अगर आवाज़ दबी या हल्की है तो इसका मतलब यह है कि तरबूज अंदर से कच्चा है, तो उसे आप न खरीदें। तो इन स्टेप को आप भी फॉलो करें, और जब भी आप तरबूज खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि आपका तरबूज बिल्कुल ही पका हुआ होगा, लाल होगा, मीठा और रसदार होगा। ऐसी अच्छी अच्छी और बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।